नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपा और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। आईपा आपके बीच एक खास मकसद से आया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और सभी पार्टियां अपनी अपनी कमर कसकर मैदान में उतरी हुई हैं और लोगों के पास जाकर वोट मांग रही हैं, लेकिन आईपा का मकसद है कि प्रगतिशील देश की बात हो। जाति, धर्म और परिवारवाद, क्षेत्रवाद, इन सबसे अलग हटकर हम बात करें मुद्दों की, हम बात करें विकास की, हम बात करें उन समस्याओं की जहां पर सरकार की नज़र नहीं जाती है। प्रगतिशील देश की हम बात करेंगे आईपा के ज़रिए, और आईपा आपको एक मंच प्रदान करता है अपनी समस्या बताने के लिए। पॉलिटिक्स का मतलब होता है पॉली और टैक्टिक्स, इन दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो पॉलिटिक्स बनता है। पॉली का मतलब है कृषि, रोजगार, व्यवसाय और जो भी लोगों की समस्या है उसके लिए पॉली बना है, और टैक्टिक्स रणनीति यानी पॉलिटिक्स, इन दोनों को जोड़कर बना है। इसलिए हम देश के, समाज के और प्रदेश के विकास की बात करते हैं, और हम चाहते हैं कि जाति, धर्म, भेदभाव से उठकर हम बात करें विकास की, हम बात करें मुद्दों की। इसीलिए आईपा आपके बीच आया है, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ साहिबाबाद विधानसभा इलाके में। शालीमार गार्डन इलाका है ये, वार्ड नंबर 37 है, और यहाँ पर खास मकसद इसलिए क्योंकि चुनाव है और सभी पार्टियाँ जीतोड़ मेहनत कर रही हैं और सभी दावा कर रही हैं कि उनकी जीत होगी, लेकिन जीत तो किसी एक की होती है क्योंकि जनता जनार्दन किसी को अपने सर माथे पर एक को ही बिठाती है। और इस वक्त मैं आप लोगों का तारुफ कराने जा रही हूँ बीजेपी के पूर्व डिप्यूटी मेयर हैं सरदार सिंह भाटी, जो पार्षद है मौजूदा बीजेपी के, उनसे भी बात करेंगे। आपका स्वागत है आईपा के मंच में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। और इस वक्त एक और हमारे साथ गेस्ट हैं आदिल मलिक, जो पूर्व पार्षद हैं और सपा को रिप्रेजेंट करते हैं, सपा से पूर्व पार्षद रहे हैं वार्ड नंबर 90 में। तो आईपा इनका स्वागत करते हैं आईपा के मंच में। मैं भी आईपा का धन्यवाद करता हूँ, आपका भी धन्यवाद करता हूँ इस मंच। सबसे पहले आप ही से सवाल मेरा है कि आपको जनता क्यों वोट करे, क्योंकि आप दावा सबसे ज़्यादा कर रहे हैं कि बीजेपी को बाहर कर देगी जनता इस बार। नहीं, ये मेरा दावा नहीं है, तो पूरे समाज का दावा कि बीजेपी को बाहर करने के लिए पूरा समाज लगा हुआ है। मेरे दावे की बात नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने इस पूरे 5 साल में, मैं अपने गाजियाबाद की बात करता हूँ, एक भी कोई नई कार्य योजना यहाँ नहीं दिखाई है। पूरे गाजियाबाद, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जब से बीजेपी सरकार आई है तब से पूरा अराजकता का माहौल है। आप जानती हैं इस बात को, मैं कह रहा हूँ मेट्रो दिया तो हमने दिया गाजियाबाद में, अगर रोड दिए तो हमने दिए, एलिवेटेड रोड जो हम 1200 करोड़ रुपए का वो हमने दिया। उसके बाद आप सिर्फ जो हमारे भाई हैं यहाँ जो बंधु बैठे हैं, वो सिर्फ उनकी पार्टी सिर्फ फीता काटने काम करती है, तो उसको जनता समझ रही है, कोई ज़मीनी मुद्दे पर आज तक बात नहीं हुई है। तो इसीलिए जनता, मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता ही बीजेपी को बाहर करना चाहती है इस चौपाल में। जनता भी उन्हीं से जान लेंगे जनता क्या चाहती है। सरदार सिंह, आप सुन रहे थे कि मलिक साहब क्या कह रहे थे, तो आप बताइए, अपना पक्ष रखने का पूरा हक होता है सभी को, तो इनका ये कहना है कि आपने कोई काम ही नहीं किया, हमने सारा काम किया है, सिर्फ आपने फीता काटा है। इनका ये कहना सरासर गलत है, क्योंकि जब से 2017 से पहले प्रदेश के अंदर सपा की सरकार थी और सपा ने प्रदेश के अंदर लूटने के सिवा और कोई काम नहीं किया, केवल विकास का काम एक भाजपा ने करा है, भाजपा के सिवा और किसी पार्टी ने विकास का कार्य नहीं किया। आज आप देख रहे हैं कि गाजियाबाद के अंदर मेट्रो, कम से कम 10 शहरों में जो मेट्रो की व्यवस्था भाजपा ने करी है, गाजियाबाद के अंदर रैपिड ट्रेन की व्यवस्था जो भाजपा ने करी है, प्रदेश के अंदर इस 2017 से अब 2022 तक इतना विकास कार्य हुआ कि विकास कार्य एक तेज़ी पकड़ रहा है। आज कम से कम 6 एक्सप्रेसवे, हाईवे जो एक भाजपा की देन है, और समाजवादी वाले तो एक खामोखा में एक अपनी बात रखते हैं कि जी हमने करा, इन्होंने कुछ नहीं करा, एक लूटपाट के सिवा जितना भी अब से पहले कोई विकास कार्य नहीं हुआ, जो हुआ वो केवल और केवल 2014 के बाद देश और प्रदेश में विकास का कार्य हुआ है। आप कह रहे थे कि इन्होंने काम नहीं किया, ये कह रहे हैं कि हमने ही काम किया है, किसी ने तो काम ही नहीं किया है जब से 2014, मतलब लोकसभा के चुनाव की बात कर रहे हैं, फिर 2017। ये तो आप भी जानती हैं, काम किसने किया, फीते किसने काटे हैं, ये आप भी जानते हैं। मेरे भाई ने अभी कहा कि रैपिड वाला या जो भी ये काम है, वो काम सब हमारे किए हुए थे। अच्छा, आप पूर्व पार्षद रहे हैं, आप पूर्व कर रहे हैं। जी जी, मलिक साहब, मलिक साहब मेरी बात सुनिए, मलिक साहब मेरी बात सुनिए, एक मिनट, मैं कर रहा हूँ साहिबाद विधानसभा की। आप ये बताएं, एक मुख्यमंत्री खुद डोर टू डोर जाने का कारण क्या है, गृह मंत्री
डोर टू डोर एक एक घर में जाके वोट मांग रहे, इसका कारण क्या है? ऐसा वोट मांगने का तो हक सबको है ना? लग रहा है मैडम जमीन खिसक रही है, उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। पूर्व पार्षद रहे हैं, अभी मौजूदा मैं आपकी पत्नी पार्षद हैं, वार्ड 90 में किस तरह से काम कर रहे हैं? आप सुबह उठते हैं, क्या प्लानिंग करते हैं और कैसे जाते हैं आमजन के लिए काम करना चाहता हूं। मैं 25 साल से कंटिन्यू एक भी बार पार्षद नहीं आ रहा हूं, 25 साल से। उसका नतीजा, उसकी देन जनता जानती है, मेरा काम करने का तरीका क्या है। अब आप ये बताइए, पहले तो आप ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री दरवाजे दरवाजे जा रहे हैं, तो उस पर आप सवाल उठा रहे हैं, और एक मुझे मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी डर गए हैं, दरवाजे दरवाजे जा रहे हैं, और जो MLA हैं उनके बारे में आप कह रहे हैं नहीं आते कभी, तो ये दो तरह की बात क्यों? जाना तो सबको चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, लोगों की समस्याएं जाननी चाहिए कि नहीं? मैडम मैं इसीलिए बताना चाहता हूँ, जिस MLA ने काम किया उसके यहाँ मुख्यमंत्री जी कहीं नहीं जा रहे, जिस MLA ने काम ही नहीं किया उसके यहाँ मुख्यमंत्री जी आ रहे मजबूर होके, क्योंकि उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री ख्वाब देख रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना सभी लोग यहाँ भाटी जी से पूछते हैं, भाटी जी से गहरे आरोप है, ऐसा उन्होंने काम नहीं किया उनके लिए मुख्यमंत्री को निकलना पड़ रहा है दरवाजे दरवाजे। ऐसा है, हमारी पार्टी के अंदर एक नियम होता है कि जो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो वो एक सिंपल साधारण कार्यकर्ता होता है, कोई उम्मीद नहीं कर सकता कि एक चाय बेचने वाला एक देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है, क्योंकि एक वो कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं ना कि मुख्यमंत्री के रूप में। वो कार्यकर्ताओं का घर घर जाकर दिल जीत रहे हैं, उनसे वोट मांग रहे हैं, उनका मकसद ये नहीं है। ये हमारे भाई गलत कह रहे हैं कि जी जमीन खिसक रही है, ऐसा कुछ नहीं। आम जनता से कोई झूठ नहीं बोलता, आम जनता यहाँ पर मौजूद है, उन्हीं से जान लेते हैं ना कितना काम हुआ है, कितना काम नहीं हुआ और क्या कुछ समस्याएं हैं, क्योंकि दो अलग अलग वार्ड को आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप 37 वार्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वार्ड नंबर 90 को, तो दोनों वार्ड में किस तरह से काम हुआ है ये जनता ही बता देगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम वेद प्रकाश शर्मा। यहाँ की क्या कुछ समस्या है? भाई यहाँ की समस्या ये देखिए मैडम जी, चुनाव तो है ही मगर वोट पड़ेगा ईमानदारी पे। ये समाजवादी कहते हैं कि हम समाजवादी हैं, एक अध्यक्ष है, घर में ही महासचिव है, एक MP है, शिवपाल यादव MLA है, रामगोपाल MP है, धर्मेंद्र MP है, पूरे घर के और रिश्तेदार फूफा मामा चाचा ताऊ सब नेता बना रखे हैं, और योगी जी मेरे अकेले फक्कड़ हैं, गरीब फकीर बाबा। ईमानदारी पर वोट पड़ेगा, काम भी हो रहा है, ईमानदारी भी पड़ेगा। योगी मोदी की जय और योगी बाबा जीतेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप नहीं, आप बताइए। आप सुन रहे थे भाटी जी को भी और मलिक साहब को भी। जनता क्यों आप लोगों को वोट करे? आप क्योंकि आप BJP की टोपी पहन के बैठे हैं, तो मैं उम्मीद तो नहीं करूंगी कि आप पार्टी के खिलाफ बोलेंगे। ऐसा है, जनता ने यहाँ पे पार्षद सरदार सिंह भाटी जी ने इतना काम किया है जो आज तक किसी ने नहीं किया है। जब से पार्षद जी बने हैं देखो सारे रोड जितने हैं सब बढ़िया रोड होंगे। विधायक जी ने देखो यहाँ झूला लग रहा है, विधायक जी के कोटे से यहाँ ओपन जिम लग रहा है पार्क में। जितने भी विकास हुए हैं पार्षद जी ने यहाँ ऐसे विकास करा दिए जो 40 साल तक 50 साल तक करने की जरूरत। आप आइए यहाँ विकास हुआ है? इधर का तो पता नहीं, बाकी हमारे यहाँ तो कोई विकास हुआ नहीं है। नहीं, दोनों वार्ड के बैठे हुए हैं ना, एक पूर्व डिप्टी मेयर बैठे हैं, इधर सपा वाले भी पूर्व डिप्टी मेयर बैठे हैं। आप बताइए। नहीं, हमारे वार्ड में कुछ नहीं हुआ, ऐसा विकास नहीं हुआ, कोई सरकार की नीति से कोई विकास नहीं हुआ, हमारे वार्ड में कुछ नहीं हुआ, ऐसा कोई विकास नहीं हुआ। कोटे से कभी कुछ नहीं हुआ, ना ही विधायक जी यहाँ कभी दिखे हैं किसी को भी। कोई विधायक है ना, कोई विधायक इनकी सरदार सिंह भाटी जी या आदिल मलिक जी यहाँ पर रहते हैं, इन्हें सब भली भांति जानते हैं, ये काम कराते हैं अपने अपने वार्ड में। इनकी इनके लिए शिकायत नहीं है, शिकायत है सिर्फ यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं उनसे। वो कभी हमें नहीं दिखे कि कभी किसी को दिखे हो, ना ही किसी कार्य में आए, ना किसी उद्घाटन में आए। अगर यहाँ भी भारत माता चौक का उद्घाटन कराए तो भाटी जी ने मेयर साहब को बुलाया था, और हमारे राजनाथ सिंह जी जो हमारे इस टाइम के वो हैं रक्षा मंत्री हैं, उनके सुपुत्र जी आए थे, उन्होंने उद्घाटन कराया नीरज सिंह जी ने। और कोई यहाँ पर कोई नहीं आया कभी भी, ना ही हमने विधायक जी को देखा। विधायक जी आते नहीं है समस्या जानने? कोई, मैं तो मानता हूँ कि जितने भी बीजेपी के भी समर्थक है ना, वो भी यही कहेंगे कि कोई हमसे मिलने ही नहीं आया आज। तो की शिकायत है विधायक जी आते? विधायक जी साहिबाबाद विधानसभा में खूब घूम रहे हैं, क्षेत्र बहुत बड़ा है। विधायक जी आते नहीं आते? नहीं, विधायक नहीं आते, ये सुनील शर्मा नहीं आते यहाँ, हमने देखा ही नहीं, उनकी सूरत ही नहीं देखी आज तक। की समस्याएं क्या क्या? साहिबाबाद की समस्या ये है कि जो भाटी जी हैं वो अपने वार्ड में काम कराते हैं, आदिल मलिक के 25 साल हो गए, अपने वार्ड को चमका के फेंक रखा, बच्चा बच्चा इनके साथ है 90 वार्ड का। मतलब पार्षदों के दम पे है? पार्षदों के दम पे है, यहाँ के लोगों का कहना है कि पार्षदों के दम पे है जो वार्ड्स हैं, जिन जिन पार्षदों के
की जिम्मेदारी है, जिन वार्ड की उन्हीं के जिम्मे वहाँ पर विकास हो रहा है, बाकी एमएलए नहीं आते हैं। बीजेपी के एक भी कार्यकर्ता ने किसी गरीब की मदद नहीं करी थी। लोग 2-2 हजार किलोमीटर चल के अपने घर बीच बीच में मर गए थे, लोग अपने घर मर मर के पहुंचे थे। और सभा के कार्यकर्ताओं ने और हम लोगों ने, हमारे पास ऐसी वीडियो क्लिक भी हैं जो पहले दिन हम लोगों ने मदद की और दो ढाई महीने परमानेंट हमने राशन बांटा है। ये तो जनता कह रही है, लेकिन आप बाहर ही नहीं निकले। वो जनता नहीं है, वो बीजेपी कार्यकर्ता। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो मेरे छोटे भाई में बीजेपी कार्यकर्ता भी हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अभी बाबूजी ने एक बात कही, इस बार समाजवादी पार्टी नई सपा नई हवा, एक भी आदमी समाजवादी पार्टी के परिवार से प्रत्याशी नहीं बनाया गया है। आप इस बात को जानती हैं, कोई भी आदमी माननीय अखिलेश यादव जी के परिवार से कोई भी आदमी चुनाव नहीं लड़ रहा है। आपको ये बताना चाहता हूँ, जब कोरोना का टाइम आया था, जो नदियों में जो लाश बही थी, जो चील कौओं ने लाश खाई थी, जो आपके धर्म में बिल्कुल अशुभ माना जाता है, वो सब बीजेपी के राज में हुआ था। इनका सारा भाटी साहब, गंभीर आरोप है आप पे। ऐसा कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी जिस समय कोरोना काल चल रहा था उस समय केवल और केवल एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ऐसा था जो एक जनता के साथ था। समाजवादी का कोई कार्यकर्ता घर से नहीं निकला। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी, इतने अच्छे कार्य इसने किए हैं, जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, उन लोगों की बहुत मदद की है। आईपा के इनिशिएटिव के बारे में उनसे भी जानेंगे। मैं आईपा की पहले इस बात के लिए बहुत धन्यवाद करता हूं कि उस क्षेत्रों में आईपा जाके काम कर रहे हैं जहां विधायक ना पहुंचते हैं ना लोग सरकारी सुविधा पहुँचती है। आप ये बताएं, जब आपने गैस सिलेंडर फ्री दिए तो आप 400 से 1000 का सिलेंडर हो गया। आपके टाइम में पेट्रोल 50 रुपये से 110 रुपये हो गया, डीजल 100 रुपये हो गया। जितने बेरोजगार, जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात आप लोगों ने की थी, क्या आपने अभी तक 2 लोगों को दिया? ये सिर्फ जो 44 लाख मकान बताए जा रहे हैं, 44 मकान वाले बुला के खड़े होकर दिखवा दो, जो 1 करोड़ 67 लाख बताए जा रहे हैं। 1 करोड़ 67 लाख में से आप सिर्फ 1 करोड़ 67 लाख में से आप 10 लाख लोग दिखा दो। ये सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं। मैं आईपा का धन्यवाद करता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ, आप जगह जगह जाके फिर अपना आपा के इनिशिएटिव को कैसे ले। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए हम लोगों की समस्या सुनने के लिए। ये आईपा आप लोग आए हो, आईपा लेके चैनल को, और मैं चाहूँगा कि आप जगह जगह हर वार्ड में जाएं, जिस जिस विधानसभा में जाएं वहाँ लोगों से इसी तरह से आप चर्चा करें, उनसे पूछें कि आखिर क्या है। हमारा मुद्दा सिर्फ विधायक के लिए है, ना कि हमारा मुद्दा यहाँ पर कोई राजनीति, या बहुत से कह रहे हैं कि परिवारवाद हर घर में चल रहा है। किसी ना किसी का नेता कोई ना कोई कहीं ना कहीं से टिकट ले रहा है। लेकिन हम आईपा की बात करते हैं तो आईपा का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हम तक आया और हमारी समस्याएं सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया। आईपा का इनिशिएटिव कैसे लगा आपको, कैसा लगा आईपा जिस तरह से काम कर रही है, लोगों के बीच जा रही है, लोगों के मुद्दों को उठा रही है, विकास की बात कर रही है? मैडम जी, आईपा का कार्य बहुत अच्छा रहा, अति उत्तम, द बेस्ट। और यहाँ की डिबेट का जब आप दिखाएंगी चैनल में तो सब सुनेंगे, समझेंगे। आपकी भी तारीफ, आपके चैनल की भी तारीफ, आपके लाउड स्पीकर भी की तारीफ, बहुत बहुत धन्यवाद। आईपा द बेस्ट। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त भाटी जी और मलिक साहब ये आईपा के मंच से जुड़े, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भाटी साहब आईपा के मंच से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आईपा हमारे क्षेत्र में आज आईपा वाले आए, मैं आईपा के समस्त बहनों भाइयों को भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने हमारे क्षेत्र में आके जनता की समस्याओं को सुना और समझा, और ये आवाज़ जो हमारी शासन से प्रशासन तक जो पहुंचाते हैं, आईपा के मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और वो इसी प्रकार से जगह जगह जाकर अपना जनता की समस्याएं सुने, उनके मन की बात लें और आगे तक पहुंचाएं उन्हें। धन्यवाद, जय हिंद, जय श्री राम। मलिक साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद आईपा के साथ जुड़ने। आईपा परिवार का मैं अपने क्षेत्र में हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं और आईपा परिवार से ये उम्मीद रखता हूं कि आप क्षेत्र की समस्या अच्छे से जिस तरह से उठा रही हैं, जिस तरह से आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, इस तरह से आईपा को दिन दूनी रात चौनी तरक्की मिलनी चाहिए। तो आपने देखा कि इस चौपाल में, ये चौपाल जो आपको दिखाई दे रहा था, ये हो गया था बीजेपी वर्सेस सपा।
क्योंकि कुछ लोग सपा की बात कर रहे थे और कुछ लोग बीजेपी की बात कर रहे थे। कुछ लोगों का कहना था कि मौजूदा सरकार से वो बेहद खुश हैं और जिस तरह से सरकार काम कर रही है वो इसी सरकार को चाहते हैं, लेकिन सपा को सपोर्ट करने वाले जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उनका ये कहना था कि इस बार परिवर्तन होने जा रहा है और सपा सरकार बनाएगी। इसके इतर कुछ लोग जो थे आम जन, जिनको ना ही सपा से कोई सरोकार ना ही बीजेपी से कोई सरोकार, वो सिर्फ बात करना चाहते थे जो क्षेत्र का मुद्दा है, जो वार्ड का मुद्दा है, जो आम जन की समस्याएं हैं वो समस्याएं रख रहे थे। और उनका कहना है कि हमारा किसी पार्टी से कोई सरोकार नहीं है, हम बस ये चाहते हैं कि जो भी सरकार चुनकर आए उनकी समस्याओं को दूर करें और समग्र विकास करें। तो फिलहाल इस चौपाल में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।